Welcome to this math session, students. In previous math session, we started our new topic, that is set operations and Venn diagrams. वहाँ पे हमने Venn diagram क्या होता है वो पढ़ा, right? After learning Venn diagram, we have learned union of sets, intersection of set, complement of set, difference of set and symmetric difference of set. As well as M2.1 में जो हमने subset पढ़ा था, वो subset को हम किस तरीके से represent कर सकते हैं, वो भी हमने देखा, right? अभी हमें पढ़ना है properties of operations, समझना। मैथ्स में कोई भी नई चीज आप पढ़ते हो, कोई भी नई ब्रांच आप पढ़ोगे, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, राइट? वेदर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, वेदर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो और एनीथिंग, वेदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि एग्जैक्टली उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सो लेट अस लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। ये प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, हर बार कोई भी प्रॉपर्टी शुरू होती है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो जब आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे जूनियर क्लासेस में, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, उन सब में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वन बाय वन, टेल मी। सबसे पहले यस नेहा, सबसे पहले क्लोजअप प्रॉपर्टी, डू यू रिमेम्बर दिस प्रियांशु, राइट? देन कम्युटेटिव, देन एसोसिएटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी तरीके से आप जाते थे लाइन में, यस और नो एवरीवन, चिन्मयी, स्निग्धु, राइट? सो यहाँ पे भी हमें यही काम करना है, राइट? वी आर गोइंग टू और वी विल गो इन सेम सीक्वेंस ओनली। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये हमें पता ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप बोल रहे हो तो वो भी वही होगा क्योंकि दो सेट का यूनियन सेट ही होने वाला है, दो सेट का इंटरसेक्शन वो भी सेट होने वाला है, राइट? तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसपे कल पूछ रही थी प्रशस्ति, राइट? प्रशस्ति आप ही पूछ रहे थे कि सर ए यूनियन बी क्या बी यूनियन ए करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, राइट? प्रशस्ति, आर यू देयर? तो वही चीज है, सबसे पहले आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए बोथ आर सेम, राइट? सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए बोथ आर सेम, क्योंकि ए यूनियन बी में हमें दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी में हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखना है। Is this clear everyone? Right? A union B and A intersection B are commutative. Second, associative property. तो ये आप साथ में लिखते ही जाओ students, क्योंकि ये आसान है, हम बस formality पूरी कर रहे हैं, ऐसा मैं बोलूँ तो चलेगा। Associative property और associativity. चलो, associative property आपको पता ही है अनन्या। Associative property में कितने sets का use होगा? बोलो। जब नंबर्स के बारे में आप देखते थे तो एसोसिएटिव के लिए कितने नंबर्स हम देखते थे अनन्या? थ्री नंबर्स। वेरी गुड। क्या आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो तीन नंबर्स में एसोसिएटिविटी कैसे होगी, या मतलब तीन सेट्स में यहाँ पे? सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो जाएगा? एसोसिएटिव में क्या होता था, दोनों जगह सेम साइन होती थी ना, तो बी यूनियन सी। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा? A union B union C. Very good. Same मैं intersection के लिए भी लिख सकता हूँ। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Right? अब जैसा आपने गलती से यहाँ पे अनन्या हमें बताया distributive property, तो चलो पहले distributive को देख ही लेते हैं। Distributive property. Atharv, can you try about distributive property here? Atharv, are you there? Bhavna, can you try? Bhavna, are you there? Sir. Okay, Atharv. बस try करो, गलत हो सकता है, no problem at all. We are just trying. Surf Excel, dark अच्छे हैं. Maths mistakes are good. ठीक है. अथर्व आप ट्राई, कोई भी एनीवन, ध्रुव विल यू लाइक टू ट्राई? एक मिनट दीजिए, मैं करके देता हूं। हां हां बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से। ध्रुव विल यू लाइक टू ट्राई? सर हां सर, ए ए यूनियन यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, वेरी गुड, इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A unions. Very good. Is this clear, everyone? Hi, Anna. Right? Chalo. Similarly, main dusra likh sakta hun. Navya, can you tell me second one? Are you there? Smarnika? Yes, sir.
Okay. Can you tell me second one? Okay, Navya. I have to write distributive property. This is distribution of union over intersection. Now I need to write intersection over union. Yes, sir. A intersection bracket B union C is equal to A union B. A, think again. A union B. A intersection B. Union. Union. A intersection C. A intersection C. Is this clear, everyone? Please give me some response. आसान है, right? चलो इसे भी नोट डाउन कर दो जल्दी जल्दी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप पहले करते थे, राइट, मल्टीप्लीकेशन का यूज करते थे, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेम यहाँ पे आप यूनियन का इंटरसेक्शन पे कर रहे हो या इंटरसेक्शन का यूनियन पे कर रहे हो. ओके, चलो Now we are going to learn law of identity element. समझना, जैसे वहां पे हम पढ़ते थे multiplicative identity, additive identity, right? यहाँ पे same कुछ ऐसा ही होने वाला है. मुझे ये बताओ multiplicative identity का मतलब क्या होता था? जैसे 5 into 1 कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 5. Additive identity क्या होता था? 5 plus 0 आंसर आ रहा है 5. So additive identity was 0 and multiplicative identity was 1. हाँ या ना? Yes or no, everyone? उसी तरीके से अब आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन और आपके पास यहाँ पे यूनियन, ठीक है. अब मुझे ये सोच के बताओ, थोड़ा सोचो, एक का ऐसा कौन सा सेट है जिसके साथ अगर मैं यूनियन करूंगा तो आंसर ए आएगा. सारे सेट्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स हमने 2.1 में देखे हैं, राइट. मैं एक बार वो सारी टाइप्स आपको वापस दिखा रहा हूँ. इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जिसके साथ मैं यूनियन करूंगा तो आंसर ए आएगा, राइट. हमारे पास है एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट, पावर सेट, हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, यस, नल सेट, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. एम्प्टी सेट, राइट. सो अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, सॉरी यूनियन कर रहा हूँ, तो एम्प्टी सेट के साथ अगर आप यूनियन कर रहे हो, डेफिनेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी ए. सो कैन आई से दैट एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन? हाँ या ना, राइट. एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन. चलो ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर ए आएगा. ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर ए आएगा. यस, सोचो, हमारे पास यहाँ पे सारे हैं. ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आएगा, एग्री. बट वो स्निक तो दूसरा रूल है, वैसे ही ए का ए के साथ यूनियन भी ए आएगा, राइट. दैट इज आई द इम्पोर्टेंट लॉ, वो मैं दिखाता हूँ अलग से. ए के अलावा कोई दूसरा ऐसा सेट है जिसके साथ में उसका इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर ए आएगा. सोचो, पाई ऐसा था जिसमें कुछ नहीं है तो उसके साथ यूनियन कर रहे हो तो ए आ रहा है. तो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सब कुछ है, जिसके हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ए मिलेगा? यस, वेरी गुड. यूनिवर्सल सेट, इजंट इट? यूनिवर्सल सेट, बाप ऑफ ऑल सेट, राइट, और सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, राइट, क्रिश. सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. सो यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी सेट, पर्टिकुलरली आइडेंटिटी एलिमेंट for intersection and pi is identity element for union. अब यहाँ पे जो स्निग्धों का observation था कि सर A intersection A भी A होता है, A union A भी A होता है, A union A equal to A, A intersection A equal to A, इसे बोला जाता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ. दिस इज नथिंग बट योर आइडेम्पोर्टेंट लॉ. दिस इज योर आइडेम्पोर्टेंट लॉ. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ये जो आपका आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, इधर ध्यान दो. आइडेम्पोर्टेंट लॉ, इसका मतलब क्या होता है? आप इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे, राइट, क्योंकि मैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर गुजराती मीडियम में सारी चीजें पढ़ा था, इसे बोलते हैं स्वयंघाती नियम, राइट. स्वयंघाती का मतलब होता है वो खुद ही खुद को मार रहा है. ए यूनियन ए, ए ए इंटरसेक्शन ए, ए. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, इजी, राइट. चलो ये हो गया आपका आइडेम्पोर्टेंट लॉ. इसके अलावा हम ए डैश देख चुके थे, राइट.
ए डैश आपको याद है चिन्मय, जिसके ऊपर आपने मुझे डाउट पूछा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यस और नो? अब अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी देखो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन ए डैश कर रहा हूँ चिन्मय, या ए यूनियन ए डैश कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये वेन डायग्राम देख के आप मुझे बताओ, यहाँ पे ए है, ये ए डैश है, और इनके कोई पावर ही नहीं हो रही है, ए है और ए डैश है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन मींस आप यूनिवर्सल सेट बोल रहे हो? नो सर, इंटरसेक्शन मींस इट विल कम पाई आई गेस, पाई, यस, बिकॉज इंटरसेक्शन मतलब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। ए डैश की डेफिनेशन क्या है समझना, जो एलिमेंट्स ए में नहीं है वो होंगे ए डैश में, जो एलिमेंट्स ए डैश में नहीं है वो होंगे ए में, हाँ या ना? ए में आपके पास 1 2 3 है, आप साइड पे देख सकते हो, ए में आपके पास 1 2 3 है, ए डैश में 4 5 6 7 8 है, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, ए इंटरसेक्शन ए डैश विल बी नल। चलो अब अगर मैं इनका यूनियन कर रहा हूँ तो क्या होगा, यूनियन मीन्स आई नीड टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, यस सर, यूनिवर्सल सेट, ऑल द एलिमेंट्स, व्हाट आई विल गेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, A union A dash will be equal to universal set. A union A dash equal to universal set. Is this clear everyone? Right? Complement loop. ये सारे आसान है. You can tell me yes, right? A intersection A dash is equal to phi. A union A dash is equal to universal set. This is called your complement loop. अब यहाँ तक पहले आप लिख दो, फिर मैं आपको De Morgan's law दिखाता हूँ. आई होप आप साथ में ही लिखते गए थे तो थोड़ा बहुत ही बाकी होगा, हाँ या ना एवरीवन? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ ये लॉ कहाँ पे यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में? जब अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे ना तब मजा आएगा, उसमें अलग अलग चीजें प्रूव करने की आएंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपका आता था ना LHS टू RHS, और ट्रिग्नोमेट्री में सारी आइडेंटिटीज आप यूज करते थे, तो याद है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला यूज करते थे, सेम यहाँ पे भी यूज होगा, यहाँ पे भी आपको LHS टू RHS जाना होगा, RHS टू LHS आना होगा, उसमें ये सारे लॉज काम आएंगे, ओके? कई बार आपको ये लॉज वेन डायग्राम से पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हैं। लिख दिया सबने आइडेंपोर्टेंट लॉ तक, क्या मैं आगे दिखाऊं? ओके, सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, नाउ सी, अब जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको ये बताया, राइट, अब मॉड्यूल में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट से फाई के बारे में दोनों कंडीशन दी गई है, फिर यूनिवर्सल सेट का अलग से दिया गया है। चलो तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, अगर मान लो फाई के साथ में ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो क्या होगा, वॉट विल बी ए इंटरसेक्शन फाई? Think quickly. A intersection phi क्या होगा? Phi. Phi. Very good. Right. क्योंकि दोनों का intersection में कुछ मिलेगा ही नहीं. Phi is null set. चलो अब मुझे ये बताओ. A intersection universal set already आपने कर दिया है. A union universal set क्या होगा? A union universal set क्या होगा? Yes. Universal set के साथ आप A का union कर रहे हो. Yes. Very good, Samprita. Very good, Navya. Very good. अनन्या, वेरी गुड प्रज्ञा, राइट, यूनिवर्सल सेट ओनली, इजंट इट? ये दोनों भी नोट डाउन कर दो जल्दी जल्दी, राइट, कॉम्प्लीमेंट से हम एक और रूल लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, मुझे ये बताओ अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ए डैश का वापस डैश कर रहा हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? ए डैश मतलब हम क्या कर लिखते थे, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, अब ए डैश का डैश मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, वेरी गुड, ए,
क्योंकि आइदर एलिमेंट आपका ए में होगा या ए डैश में होगा, इन दोनों में से किसी एक में ही होगा. अगर ए में नहीं है तो ए डैश में होगा, ए डैश में नहीं है तो ए में होगा. यस और नो? सो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश होल डैश इक्वल टू ए. वैसे ही कुछ लॉज आपके पास. शुरू क्या हुआ पता है? यस, आप मुझसे बात कर रहे हो कि घर पे अनम्यूट हो गए? यस सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया. ठीक है. सो ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्लियर एवरीवन, राइट? अब अगर मैं आपको बात करूं कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाई एंड कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ यू, वो क्या होगा? व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाई? फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो नल सेट में है ही नहीं. यू यू. ऐसे एलिमेंट जो सारे यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं, फाई, राइट? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट होंगे, उसमें नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं है. फाइव में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो जो फाइव में नहीं है वो सब यूनिवर्सल सेट में. इज दिस क्लियर? अब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, डी मॉर्गन्स लॉ. ए यूनियन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश. डी मॉर्गन ने एक ऑब्जर्वेशन किया. अब द थिंग इज, ये ऑब्जर्वेशन डी मॉर्गन ने सबसे पहले किया और किसी ने नहीं किया, इसलिए इस पे नाम लग गया डी मॉर्गन्स लॉ. अगर वो ऑब्जर्वेशन पहले अभिलाष ने किया होता तो हम पढ़ते अभिलाष लॉ, राइट? अथर्व ने किया होता तो अथर्व लॉ पढ़ते, विवेक ने किया होता तो विवेक लॉ पढ़ते. इज दिस क्लियर एवरीवन? इसमें कुछ खास या कुछ नया नहीं है. द थिंग इज, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जब आप डैश अप्लाई करते हो, अंदर बीच में यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, ये डैश तीनों को अप्लाई हो जाएगा. So it will be your A dash, union का dash हो जाएगा intersection, B का dash हो जाएगा B dash. मतलब अगर आप A union B find करके उसका dash निकाल रहे हो, या A dash निकाल रहे हो, B dash निकाल रहे हो, उसका intersection कर रहे हो, ये दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी same. Hope you are getting my point. Again, A intersection B whole dash. So here dash will be applicable to all of them. This will be your A dash, union, B dash. Is this clear everyone? You can tell me yes if you agree. Right. A dash intersection B dash, A dash union B dash. हाँ, वही स्निग तो मैंने वही बोला कि पहले बस वो डी मॉर्गन ने ऑब्जर्व कर दिया. That's it. Okay, Krish is observing sir. यहाँ पे दो क्रिकेटर्स के नाम है, आप बोलो कौन कौन है वो दो क्रिकेटर्स. अच्छा, आप देखो मुझे क्रिकेट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है. ओके, तो क्रिश ने जो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो क्रिश? हो सकता है मैं बोलूंगा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए. हाँ, स्निग्धो ने भी वही बोला. ये कौन सी टीम के प्लेयर्स हैं? एक का साउथ अफ्रीका है सर, एबी डी विलियर्स, और मॉर्गन इसका. अच्छा, इंग्लैंड. मॉर्गन कहाँ का है? इंग्लैंड. ठीक है, जिस भी तरीके से आप याद रखो याद रखो. अच्छा, क्रिकेट के बहुत फैंस हैं यहाँ पे. गुड. इंग्लैंड इंग्लैंड. ये एबी डेविलियर्स तो आपने बोला ना, साउथ अफ्रीका. हाँ, एबी साउथ अफ्रीका का है, इवन मॉर्गन इंग्लैंड का. ओके, इंग्लिश बोल रहा है, इरिश है. हाँ, ओके, इंग्लिश. सर, दोनों कैप्टेंसी करते हैं. अच्छा, ये स्निग्ध बोल रहा है ये आरसीबी में है और ये केकेआर. केकेआर के. अच्छा, तो डी मॉर्गन. ठीक है, आगे बढ़े. आपको जिस तरीके से याद रखना है याद रखो. चलो, अब हम जा रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, राइट? और पर्टिकुलर उसे बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. कार्डिनलिटी इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अच्छा, वंश रंड इज टेलिंग कि सर ये तो एलियन है, ये प्लेनेट से नहीं है. क्यों, मतलब ऐसा तो क्या करता है वो, इतना अच्छा खेलता है, सुपर ह्यूमन है. ओके, इट इज लाइक सुपरमैन. ठीक, नाउ लेट अस सी कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के आपको पता है, राइट? अब उनकी मदद से अगर ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे? चलो वो समझने के लिए वही हमारा जाना माना एग्जाम्पल हम लेते हैं, राइट? लेट अस टेक दिस सेम एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इन सब के बीच का एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? चलो क्या आप मुझे बोल सकते हो ए में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? अनघा ए में कितने एलिमेंट्स हैं? यस यस थ्री, राइट? ओके विवेक बी में कितने एलिमेंट्स हैं? सर थ्री. ओके नाउ सुप्तिका ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ओके संप्रीता ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ये सब लोग सो रहे हैं जो सर पांच. अच्छा एंड रेशमा ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ओके रेशमा सो रही है. जैन प्रशस्ति सर वन वन, वेरी गुड. चलो ये सिखाया था ना, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. ओके ओके ये याद है ना एवरीवन? ये सबसेट टाइम पे सिखाया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है? चलो अब समझो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बनानी है फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. आपको पता है कि ए यूनियन बी में हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं. तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को ऐड करता हूँ, क्या उससे मेरा काम होगा? चेक. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर थ्री, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर फाइव. कैन आई से फाइव इक्वल टू थ्री प्लस थ्री? नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज थ्री प्लस थ्री तो आपका सिक्स हो जाएगा. हाँ या ना? तो अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है उसको समझो, यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है या क्या फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन होना चाहिए उसको समझो. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हाँ नो प्रॉब्लम सुप्तिका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में आपने किसको काउंट किया? वन टू थ्री. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में आपने किसको काउंट किया? थ्री फोर फाइव. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में आपने किसको काउंट किया? वन टू थ्री फोर फाइव. यस और नो एवरीवन? सो कैन आई से दैट यहाँ पे थ्री को आपने दो बार काउंट किया है? एवरीवन क्या थ्री को हमने दो बार काउंट किया है? तो जो एक बार एक्स्ट्रा काउंट किया उसको हमें निकालना पड़ेगा, राइट? एंड थ्री क्या है? थ्री इज नथिंग बट देयर इंटरसेक्शन एलिमेंट, राइट? सो इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो मैंने दो बार काउंट किया था उसको अगर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो थ्री प्लस थ्री माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू फाइव. फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री माइनस वन. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ये राइट? क्या रिपीटेशन की जरूरत है? क्या रिपीटेशन की जरूरत है? If required, tell me. Right? If not required, then we can proceed. क्योंकि आसान है. Right? Number of elements in A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. सबसे ज्यादा use होने वाली formula, सबसे ज्यादा आपको काम आएगी. Right? See, the thing is, उसको एक ही बार लिखते हैं. Agree, Krish? बट जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी उसको सेपरेटली ऐड कर रहे हैं तो वो ए में भी है और बी में भी है. जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो आपका ए में भी है, वो बी में भी है, इसलिए वो दो बार काउंट हो रहा है. दो बार काउंट हो रहा है इसलिए हम एक बार सेपरेट कर रहे हैं. द थिंग इज, हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आप डायरेक्टली काउंट कर रहे हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी की मदद से काउंट कर रहे हो तो क्या फॉर्मूला बनेगी वो हम फाइंड कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? सो कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए यूनियन बी. अभी मैं आपको तीन सेट के लिए भी दिखाऊंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी. फिर हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन शुरू करेंगे. तो ये पहले क्लियर है क्या? मुझे एक बार इसको वापस समझाने की जरूरत है, राइट? वापस समझाने के लिए देखो, एक वेन डायग्राम की मदद से समझाता हूँ थोड़ा. दूसरा, वेन यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यू आर काउंटिंग ऑल दिस एलिमेंट्स,
when you are counting number of elements in B, you are counting all these elements. So, जो बीच का A intersection B है, उसको आप दो बार काउंट कर रहे हो, वो दो बार काउंट हो गया है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा. Is this clear everyone? हाँ या ना? Please give me some response. Easy? Right? चलो, अब मैं आपको क्या तीन sets के लिए दिखाऊं अभी, everyone? आप ये पहले लिखो, तब तक मैं तीन sets के figure draw कर देता हूँ. फिर तीन सेट वाला अभी लिखना मत, तीन सेट वाला अभी लिखना मत, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा. नहीं तो ये भी छोड़ो अभी, ये भी अभी मत लिखो, थोड़ा बहुत लिख दिया तो वेल एंड गुड, बाकी मैं आपको टाइम देता हूँ. कैन यू सी दिस यूनिवर्सल सेट एवरीवन? ए बी C. Can you see this set A, this set B, this set C? Okay. चलो मुझे find करना है number of elements in A union B union C. A union B union C में कितने elements होंगे वो हमें find करना है, ठीक है? चलो ये find करने के लिए again मैं एक example लूंगा. जैसे ऊपर वाला question हमारा easy क्यों हुआ? क्योंकि हमने अंदर example ले लिया 1 2 3 4 5. हाँ या ना? Please give me some response. तो यहाँ पे वैसे एक एग्जांपल ले लेते तो हमारा काम इजी हो जाएगा, राइट? एक एक एलिमेंट लेंगे तो भी चलेगा, राइट? बट चलो मैं करता हूँ यहाँ पे. सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, यहाँ पे ले रहा हूँ 2 3 4, या फिर नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाएगा. सो लेट मी टेक एलिमेंट्स इन स्मॉल लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ जी. इज दिस क्लियर एवरीवन? Now, can you tell me what are the number of elements in A? A में कितने elements हैं? 1 2 3 4, चार है ना? देखो A B C D, हाँ या ना? Right? Now, how many elements are in B? 1 2 3 4. How many elements are in C? 1 2 3 4. Okay. How many elements are in A intersection B? A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. राइट? A इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स हैं? एंड फाइनली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? 1. इजी, यहां तक पहले क्लियर है? चलो अब मुझे ये बताओ A यूनियन B यूनियन C में कितने एलिमेंट्स हैं? A union B union C, total 1 2 3 4 5 6 7, yes or no everyone? Okay, चलो अब हमें इन सब को combine करना है, ठीक? इस तरीके से उसकी formula बनेगी, 1 by 1. सबका ध्यान इधर, अभी लिखना बंद, सबका ध्यान इधर. Number of elements in A union B union C, पहले मेरे दिमाग में आएगा कि अगर मैं तीनों को add कर देता हूँ, number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C, what I will get? Number of elements in A is nothing but 4. Number of elements in B, 4. Number of elements in C, 4. Yes or no, everyone? सबसे पहले ये होगा. अब समझो यहाँ पे, जब A और B को मैं add करता हूँ, अभी हमने समझा था कि जब हम A और B को add करते हैं तो उनके common elements दो बार count होते हैं. जब A और B को मैंने add किया तो B और C दो बार count हुए. B और C एक बार A में भी count हुआ और एक बार B में भी count हुआ. तो एक बार मुझे subtract करना पड़ेगा. Minus number of elements in A intersection B. ये एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? चलो ये एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो अभी आपका एक ही बार बचा है, ये आपका एक ही बार काउंट हुआ है. ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो जब मैं इसके अब काउंट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो अभी आपका एक ही बार काउंट हुआ है, समझना. मैं यहाँ पे इससे हैचिंग के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये अब आपका एक बार काउंट हुआ है. सिमिलरली जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी करता हूँ तो बी इंटरसेक्शन सी आपका दो बार काउंट हो जाएगा. दो बार काउंट हो जाएगा तो मुझे एक बार उसको रिमूव करना पड़ेगा. माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, एक बार रिमूव कर रहा हूँ, वापस दो एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं, तो अब ये आपका एक ही बार काउंट हुआ है. ये इस तरीके से समझाऊंगा तो वेट 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 और लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल. जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसमें हमने काउंट किया ए बी सी डी,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उसमें हमने काउंट किया बी सी ई एफ. इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तो उसमें कौन कौन से माइनस हो गए? बी सी, जो ये दो बार हुए थे उसमें से एक बार माइनस हो गया. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो बी सी इज बैलेंस्ड और नॉट? क्विकली क्विकली टेल मी यस राइट. यस सर. ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कर रहा हूं. तो जब बी प्लस सी किया मैंने तो कौन कौन से काउंट हुए? सी में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे? डी सी जी एफ, डी सी जी एफ. ओके चलो, अब उसमें आप देख रहे हो सी एफ आपके दो बार काउंट हुए. ये सी एफ आपका इधर भी है, सी एफ आपका इधर भी है, तो सी एफ को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? ठीक है. फिर ए और सी में कौन कौन से काउंट हुए हैं दो बार? जैसे ए में है आपका बी सी, ए में है आपका डी और सी, सी में भी आपका डी और सी, डी और सी, समझना, डी और सी इधर भी है, डी और सी इधर भी है. तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसके दो एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, उसमें भी आपका सी और डी ये माइनस हो रहा है. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो, समझना, जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं ए बी सी में, कॉमन एलिमेंट्स है बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बी सी डी एफ, कौन सा कहाँ पे ऐड हुआ है, कौन सा कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो हम देखेंगे राइट. चलो सी है, जब नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में आपका बी है, एक बार काउंट हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में एक बार काउंट हुआ आपका बी, एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में बी कैंसल हो गया, अल्टीमेटली वो एक बार काउंट होना चाहिए. बी का काम क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, बी का काम क्लियर, हाँ या ना? राइट. यस. ओके, अब हम डी को देखते हैं. तो ए में डी आपका कितनी बार काउंट हुआ है? एक बार काउंट हुआ है. फिर बी में क्या वो काउंट हुआ है? नहीं. सी में काउंट हुआ है? हाँ, सी में आपका वो एक बार काउंट हुआ है. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में वो एक बार हमने रिमूव किया है, तो वो भी आपका वन बच गया. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? राइट. व्हाट अबाउट एफ? एफ आपका ए में नहीं है, एफ आपका यहाँ पे बी में एक बार काउंट हुआ, एफ आपका सी में है दूसरी बार काउंट हुआ, बी इंटरसेक्शन सी में एक बार आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली एफ भी आपका एक बार काउंट हुआ, काम हो गया. राइट. चलो अब सी को देखते हैं. तो जो आपका सी एलिमेंट है वो एक बार ए में काउंट हुआ है, फिर बी में काउंट हुआ है, फिर सी में भी काउंट हुआ है, फिर ए इंटरसेक्शन बी में वो सब्ट्रैक्ट हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी में सब्ट्रैक्ट हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी में सब्ट्रैक्ट हुआ है. तो सी तीन बार ऐड हुआ है, तीन बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, सी तो काउंट हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो? हाँ या ना? आपाक मौर्य, सी तीन बार ऐड हुआ, तीन बार सब्ट्रैक्ट हुआ, सी का काउंट हुआ ही नहीं है, तो सी को हमें वापस ऐड करना पड़ेगा. C is nothing but your number of elements in A intersection B intersection C, right? क्योंकि C आपका final यहाँ पे A intersection B intersection C, last में मुझे add करना पड़ेगा plus number of elements in A intersection B intersection C, which will be your one. अब आप check करो total answer, number of elements in A union B union C. Right, that is equal to 7 on LHS. RHS में आपके पास है 4 plus 4, 8 plus 4, 12 minus 2, 10. 10 minus 2, 8. 8 minus 2, 6. 6 plus 1, 7. 7 equal to 7. पता चला, everyone? एक बार वापस रिपीट करूं? एक बार वापस रिपीट करूं? एक बार वापस रिपीट करूं? You can tell me yes, everyone. हल्का सा confusion होगा, हल्का सा confusion होगा, ज्यादा confusion नहीं होगा. Right? समझाता हूं मैं आपको. ठीक है, एक बार समझो, यहाँ पे मैं एक बार आपको वापस समझा रहा हूँ. ठीक है, एक बार वापस समझा रहा हूँ, थोड़ा और प्रॉपर तरीके से देखेंगे. सी स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग ए यूनियन बी यूनियन सी, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी. राइट, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे टोटल आपके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, इतने सात एलिमेंट्स है. उसमें से जो बी सी डी एफ है, जो ये चार एलिमेंट्स है, वो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आ रहे हैं. तो इन सभी एलिमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं. जैसे ये आपके पास बी है, सी है,
डी है, एफ है, ये सब कब कब काउंट हुए हैं वो हमें देखना है, राइट? समझना, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए पहले हमने ए बी सी तीनों को ऐड किया, फिर हमें पहले ही जो हम एग्जांपल देख चुके थे ए इंटरसेक्शन बी का, वहां से हमें ये पता चला था ए यूनियन बी का कि जब हम ए प्लस बी करते हैं तो उसमें दो एलिमेंट एक्स्ट्रा काउंट हो जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बी प्लस सी करते हैं तो बी माइनस सी का बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और ए प्लस सी में ए माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में गए कि यहाँ पे कितना बच रहा है, समझना। चलो बी कहाँ कहाँ पे काउंट हुआ है पहले उसको काउंट कर लेते हैं। क्या बी ए में हमारा काउंट हुआ है? यस और नो? बी एक बार काउंट हुआ है। अल्टीमेटली ए यूनियन बी यूनियन सी में सब एक बार काउंट हो जाने चाहिए, राइट? जो क्रिश आपने मुझे बोला था कि सर सारे एलिमेंट्स एक ही बार आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स एक बार काउंट हो जाने चाहिए, तो टोटल काउंट वन होना चाहिए। चलो बी में बी काउंट हुआ है, यस। चलो सी में बी काउंट हुआ है, नहीं। नाउ ए इंटरसेक्शन बी में बी काउंट हुआ है, हाँ, राइट? और कहीं पे बी काउंट हुआ है? नहीं। सो फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा? वन प्लस वन माइनस वन इट विल बी जीरो, वन प्लस वन माइनस वन इट विल बी वन, सॉरी। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स प्लीज स्टूडेंट्स। आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं जा सकता हूँ। अदरवाइज आई एज्यूम कि आपको पता चल रहा है, नहीं, यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? चलो सी, सी क्या आपने ए में काउंट किया है? इज सी काउंटेड इन ए? यस। इज सी काउंटेड इन बी? यस। इज सी काउंटेड इन सी? यस। इज सी काउंटेड इन ए इंटरसेक्शन बी? यस। इज सी वॉज काउंटेड इन बी इंटरसेक्शन सी? यस। इज सी वॉज काउंटेड इन ए इंटरसेक्शन सी? यस। सी यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन भी मैं ही बोल रहा हूँ, आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स का जो चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है वो अनम्यूट करके बोलोगे तो ज्यादा रहेगा इंटरेक्ट। प्लस वन भी होगा क्या समर? सो ये वन सी आपका सभी जगह पे काउंट हुआ है, तो टोटल काउंट क्या हो जाएगा? सी का जीरो। हा या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सी आपका टोटल काउंट जीरो हुआ है अभी तक। चलो अब डी को काउंट करते हैं। हाँ, इसको अभी मैंने नहीं किया है, इसको करूंगा अभी, राइट? चलो नाउ डी की मैं बात करूं तो डी यहाँ पे काउंट हुआ है ए में वन। क्या बी में डी है? नहीं। सी में डी है? हाँ। डी दो बार काउंट हुआ है और डी सब्ट्रैक्ट हुआ है आपका ए इंटरसेक्शन सी में, एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, वन प्लस वन माइनस वन, आंसर इज वन। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट। सिमिलरली अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ आपका यहाँ पे काउंट हुआ है, एफ आपका सी में काउंट हुआ है, बी में काउंट हुआ है, और बी इंटरसेक्शन सी में एफ आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो वन प्लस वन माइनस वन, फाइनल आंसर इज वन। सारे एलिमेंट्स एक एक बार आपके काउंट हो गए हैं एक्सेप्ट सी। तो सी को आपको एक और बार ऐड करना चाहिए, उसके लिए हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर रहे हैं, तब जाके सारे एलिमेंट्स आपके एक बार आ जाएंगे। और आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन सब का सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा 7। इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान है, पता चला ये, राइट? दिस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट, और ये बहुत काम आएगा फ्यूचर में जेई मेंस जेई एडवांस के लिए। एडवांस के लिए आप इसमें चार सेट के लिए भी आपको जाना पड़ेगा ए बी सी डी। फ्यूचर में आप इसको एन सेट तक एक्सपांड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलरली इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी। वो जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के एडवांस क्लास शुरू हो जाएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट। तो अभी के लिए पेन और पेपर लो और इसको नोट डाउन कर दो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं।